ये बबूल का शहद है। क्या रेट में है? मधुमक्खी का पराग। अच्छा, नाम है मोहन भोग और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा। तो ये क्या का अचार है जो बहुत बिक रहा है? वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है आप लोगों का अनीता जी की लाडो बिटिया में। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद ना यहाँ लखनऊ में लगा हुआ है आम महोत्सव। तो ये 3 दिन का इवेंट था, 14, 15, 16। तो आज 15 तारीख तो मैं फटाक से यहाँ पे आ गई हूँ इसको कवर करने। तो ये लगा हुआ है अवध शिव ग्राम में। तो चलिए हम अंदर चल के अभी आप लोगों को ना बहुत सारे आम के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी दिखाऊंगी मैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कंजूसी करना थोड़ा बंद करिए, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए आइए आइए, यहाँ पे आप लोग ना पार्किंग लगा सकते हैं। यहाँ पे आम की बाजार लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे पूरी आम की बाजार लगी हुई है। मलियावास से आए हैं। बॉडी है ये देसी है। तो यहाँ पे भैया बहुत सारा नाम बता रहे हैं। कौन सा है? खासम खास है ये। मैं तो पहली बार ये सब नाम सुन रही हूँ। भैया यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोगों को, कुछ ज्यादा ही बड़ा है भी है आम। इसका नाम है मोहन भोग और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा। तो ये क्या रेट में? ये 100 रुपए पीस है, तो ये अच्छा खासा बड़ा है। अचार भी, अचार के डिब्बे क्या रेट में? तो ये वाला जो छोटा वाला है ये 100 रुपीज का है। कितने ग्राम होगा? आधा किलो का, ये आधा किलो का है ये, और ये 1 किलो का है। ये सारे आम हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा नाम भी नहीं पता है। ये बनारसी लंगड़ा है, ये मलिका है, मलिका है, ये सफेदा है, ये सफेदा है, और ये आम्रपाली है। अच्छा, आम्रपाली। तो भैया ने यहाँ पे थोड़े बहुत नाम बता दिया है। ये भी मलिका है, ये भी मलिका है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये आधा किलो। ये क्या रेट में है? ये 200 रुपए किलो। ये 200 रुपए किलो है। क्या खासियत है इसमें? टेस्ट में काफी अच्छा है ये। अच्छा। मतलब मिल्ट नहीं होता है अंदर, ये गलेगा नहीं, नहीं रेसे भी नहीं, रेसे से कुछ नहीं है। कई बार होता है ना जाली जाली टाइप का। नहीं सर, नहीं, इसमें रेसा नहीं है, एक भी रेसा नहीं मिलेगा। ये और ये एक ही चीज जी, ये 200 रुपए की। ये सस्ता और महंगे में क्यों इतना डिफरेंस? डिफरेंस है ये छोटा आम है, ये थोड़ा इसमें नोक से थोड़ा सा वो है ना, वो हो जाती है ना। अच्छा, टेढ़ी हो गई ना। आप लोगों को अचार भी मिल जाएंगे। अचार ही है ना मैम? अचार है, जैम है। अच्छा, यहाँ पे अचार और जैम सब आम ही का ना पूरा? और भी वैरायटीज है। अच्छा, बहुत सारी वैरायटी में है यहाँ पे। अच्छा, ये आंवला का मुरब्बा है। तो ये क्या रेट में है मैम? ये 130 का है। ये सेब का अचार है जो बहुत बिक रहा है। अच्छा, एप्पल का है। तो ये क्या रेट में? ये 150 का मैम। तो मैम कितने ग्राम का होगा? ये 400 ग्राम है इसमें जी, और ये 500 ग्राम है। अच्छा जी, और क्या बोलते हैं आपको, और क्या चीज़ दिखाइए? ये लहसुन मिर्चा अदरक है, अनिले। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए बनता है, जो क्या बोलते हैं कम तेल खाते हैं उनके लिए बनता है। ये क्या रेट में? ये भी 130 है। अच्छा, 130 का है, ये भी 130 है। अच्छा, बस केवल ये वाला 150 है सेब का। अच्छा, सेब का तो थोड़ा कॉस्टली है, बाकी सब सेब है ना। हाँ, एप्पल तो वैसे ही महंगी होता है। और कौन सी, और भी बहुत सारे हैं पास। ये सीडलेस नींबू है, जिसका भी स्टिकर नहीं लग पाया कि ये 2 दिन पहले ही बना है। अच्छा, नींबू में सीड नहीं है, मतलब इसमें बीज नहीं है, बिना बीज का, और ये 2 दिन में गल जाता है, ऑर्गेनिक है पूरा जी। तो अगर आप लोगों को अचार चाहिए हो और जैम चाहिए तो मैम के पास आ जाइएगा। तो इनके पास क्या है आपका? माँ गायत्री फूड प्रोडक्ट। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे देखिए दिखा दिया है आपको, थैंक यू। मंडी में देखिए भीड़ लगी हुई है। नाम है सेंसेशन। सेंसेशन नाम है इसका। तो ये क्या रेट में? ये 200 का केजी है। अच्छा, 200 का है। लोग आ गए हैं तो यहाँ पे शायद भी आपको मिल जाएंगे। तो अब थोड़ा पूछते हैं सर से। तो सर आप बता दीजिए कुछ थोड़ा। आज लखनऊ महोत्सव, ये आम का महोत्सव चल रहा है, इसमें हमारा स्टॉल लगा हुआ है, इसमें शहद
मेन रूप से हमारा है। तो शहद हमारे पास, एक तो ये बबूल का शहद है और हाँ ये बबूल का शहद है। क्या रेट में है ये? 300 का आधा किलो है। बहुत अच्छी क्वालिटी का शहद ये होता है। और दूसरा हम जो है मल्टी का शहद लाए हुए हैं, ये 400 का एक किलो है। अच्छा, ये 400 का एक किलो है। और तीसरा प्रोडक्ट हम लेके आए हैं यहाँ, ये बी पालन। ये क्या है? ये बी पालन मधुमक्खी का पराग। अच्छा, ये मधुमक्खी का पराग है। तो इसका बेसिकली क्या यूज होता है? ये शुगर के पेशेंट के लिए ज़्यादातर खासकर ये यूज होता है। इसमें 225 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये शुगर का पेशेंट इसको सुबह 10 ग्राम लेता है और शाम को 10 ग्राम लेता है, तो शुगर उसकी रिवर्स भी हो जाएगी। यदि वो पूरी तरीके से फॉलो करता है डाइट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जितने भी शहद लगे हुए हैं, ये शहद सुपर से निकाले हुए रॉ हनी है मेरे पास। और यहाँ कलेक्शन थोड़ा कमी लेके आए हैं क्योंकि हमारी लखनऊ में ही शॉप है, तो ज़्यादातर प्रचार। तो कहाँ पे लखनऊ में? कहाँ पे? बालागंज से कैंपल रोड पे। अच्छा, तो ऑनलाइन भी कोई ऑर्डर करते हैं भेजते हैं? ऑनलाइन भी भेज देते हैं, कोई ऑर्डर आ जाता है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिसीजन में सब मेंशन कर दूंगी। तो ये क्या रेट में है? ये मैम 400 का 250 ग्राम। 400 का 250 ग्राम। बहुत छोटा वाला? ये 200 का 100 ग्राम। अच्छा, ये 200 का 100 ग्राम है। थैंक यू सर। को आम वाम के पौधे लगाना तो लगा सकता है। नींबू के भी रखे हैं। देखो यहाँ पे नींबू का भी, यहाँ पे पेड़ है। देखिए ये देखिए नींबू लगे हुए हैं। देखिए आम भी टंगे हुए हैं। बता दीजिए ये मिया जाकी है? ये मिया जाकी बाहर का जापान की बेटी है। अच्छा, और ये रेड पाल्मर है। यहाँ कौन सा? अच्छा, यहाँ नाम लगा रेड पाल्मर। और नेपल में बारावती नींबू, ऑल टाइम थाइपिंग अमरूद, अरुणिका, अम्बिका, सहसन, टॉमी, ये देखे पर भी लगे हुए। अच्छा, पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। सर हम कॉमन ही होंगे। ये सेंसेशन है, अम्बिका है, पुषा सूर्या है, हरपाली चौथा निगड़ा। सेंसेशन है। क्या रेट है? 200 रुपये। 200 रुपये किलो? 200 जी। अच्छा, ये पेड़ भी आप ही हैं? जी सर, ये महातम हमारा ही है। मीठे आमले के लड्डू है यहाँ पे, आप लोगों को मिल जाएंगे। क्या रेट में है? 170। 170 के आधा किलो के। यही बता दो इधर। बताया है सेशन 200 रुपए किलो। अच्छा, नर्सरी आए हैं आप? यहाँ पे आप लोग आम भी लेने आइए, साथ साथ में पेड़ भी लेके जाइए आप अपने घर के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए मीठे नीम मिल जाएगा, जो हम लोगों के घर में ज़रूरत पड़ती है। शमी का पेड़ भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी मौसम्मी है ना, ये देखिए मौसम्मी का पेड़ है, अपने घर में मौसम्मी लगा सकते हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू हजारा ऑर्चर्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप आम महोत्सव में आए और मेरे पास में विभिन्न प्रजातियां हैं आम की, जिसके अंदर तकरीबन 150 वैरायटीज हैं जिनको हम संरक्षित कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद फाद फारूकी है और कुछ आम जो मैं आपको दिखा सकता हूं उनमें से ये है हाथी झूल। इसके साइज़ की वजह से ये तकरीबन 8-9 इंच का आम है लंबान में, और ये तकरीबन एक किलो के आसपास का होगा। उसके बाद में आता है बड़ा आम, इसका नाम है डेढ़ सेरा। शेर छिटा पाओ से इसका नाम लिया गया है, ये प्राचीन प्रजाति है, इस वजह से इसका नाम भी उसी समय का है। इसका नाम है डेढ़ सेरा। ये डेढ़ सेर का आम होता है। इस समय इसका साइज़ कुछ छोटा है क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई तो साइज़ पूरा बन नहीं पाया। ओके सर। इसके बाद आता है ये सुनहरा लिंगड़ा। ये सारी वो प्रजातियाँ हैं जो मेरे परदादा ने बनाई थी और इनका केवल एक एक पेड़ ही इस समय मौजूद है, बाकी ये विलुप्ति की कगार पे है पूरा बाग, और मैं इसको संरक्षित करने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। ये है करेला। करेले सब्जी सुनी? करेले जैसा है तभी करेला। अच्छा, आम में भी करेला? करेला है, कड़वा नहीं है, मीठा है, मीठा ही लिखी है। ये है पत्थर चटा। ऐसा लगता है कि जैसे दो पाटों के बीच में इस आम को दाब दिया गया है। इसमें बिल्कुल महीन सी गुठली निकलती है और बाकी ये पूरा गूदा डार्क ऑरेंज कलर का आपको खाने को मिलता है। ये हमारी जैविक विधि से हैं, सारे जैविक, लेकिन इसके ऊपर हमने बैग चढ़ाया हुआ था।
यानी इसको हमने एक कागज़ से कवर किया हुआ था जिसके कारण इसका ये कलर है। ये दशहरी है। अच्छा। आप इसको शक्ल से नहीं पहचानेंगे लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो ये आम दशहरी से ज़्यादा मीठी और उससे ज़्यादा जूसी होगी क्योंकि इसके अंदर जो है वो वाटर वेपर नहीं निकलता है, 30% ज़्यादा भारी होती है। क्या रेट में मिलते हैं? इनका कोई रेट तो नहीं है मगर मैं आपसे कीमत जैसे ऑर्डर किसी को करना है तो ये सब ऐसे नहीं ऑर्डर करना है। ये तो ऑर्डर पे है ही नहीं, ये केवल देखने के लिए है, प्रदर्शनी के लिए है, ये बेचने के लिए नहीं है। ऑर्डर इनका होता है लेकिन वो भी मिक्स होता है क्योंकि हर पेड़ का दो दो तीन तीन आम मिक्स करके हम एक बॉक्स बनाते हैं। मेरे पास 150 वैरायटी है तो स्टार्ट से एंड तक मेरे पास होती है। मेरे पास 64 से एक महीने बाद तक की वैरायटी है, उसका नाम है लाल बहादुर, बहुत सॉलिड आम होता है। तो जो जो आम उस समय का मौसमी आम होता है जिस टाइम आपने ऑर्डर किया है वो आम आपको उस समय डिलीवर किया जाएगा। ये है राज सिंधु। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी देखी, पहली बार नाम मैंने सुना था तो बहुत अच्छा लगा मुझे आम महोत्सव में आके। तो कल लास्ट, तो आप लोग भी यहाँ आना मत भूलिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो काम मैं बोलती हूँ वो तो आप करेंगे नहीं, वैसे मैं बोलूँगी ही नहीं, बट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए कोई और टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।